बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ द एक्सरसाइज 12D ऑफ बुक D2। टुडे वी विल डू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12D। इस एक्सरसाइज का जो है ना वो टॉपिक है वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द कॉम्पोजिट शेप्स। अब कॉम्पोजिट शेप्स वो होती हैं विच आर मेड फ्रॉम टू मोर बेसिक शेप्स, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो होती है ना वो शेप्स जो होती है ना अटैच होती हैं, और उनका जो है ना कॉम्पोजिट शेप्स का जो है ना वो हमने जो है ना फाइंड आउट करना है वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है। अ रॉकेट इज नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। अ रॉकेट इन द शेप ऑफ अ कोन इज अटैच टू अ सिलेंडर विद द सेम बेस रेडियस। अब इधर रॉकेट की जो शेप है ना वो कह रहे हैं किस तरह है कि उसमें कोन भी अटैच है और जो है ना सिलेंडर भी अटैच है। अब देखिए दो बेसिक शेप्स आ गई, ये अटैच हो गई, ठीक है, इट्स मीन्स के ये कॉम्पोजिट शेप बन गई, ठीक स्टूडेंट्स। द कोन हैज़ अ स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर, द सिलेंडर हैज़ अ बेस डायमीटर 12 मीटर एंड अ हाइट ऑफ 42 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रॉकेट, ठीक है, ये इन्होंने सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की हुई हैं, इससे जो है ना वो हमने जो है ना वो फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया, ठीक है। आपको पता है कि जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है वो है रेडियस सिलेंडर जो है ना वो किसके इक्वल है 12 / 2, ठीक है, 12 को 2 पे डिवाइड करें तो ये जो है ना 6 m जो है ना वो आता है, ठीक है। इधर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो है ना वो रॉकेट क्या है, जी स्टूडेंट्स ये देखें टोटल सरफेस एरिया जो है ना वो हमारे पास आ रहा है ये फ्लैट सरफेस, ठीक है, फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक, ठीक स्टूडेंट्स। उसके आगे आ रहा है कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये इसके अंदर जो है ना आ रहा है, ठीक स्टूडेंट्स। और थर्ड वन हमारे पास आ रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये देखें ये इसका कर्व सरफेस जो है ना ये इसका एरिया आ रहा है कोन के अंदर, ठीक स्टूडेंट्स। अब हमने इनके सबके ना फार्मूलाज जो है ना उनको राइट डाउन करना है, ठीक है। पहले हमने देख लिया कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो रही हैं, अब जो है ना हमने जो है ना उसका जो है ना वो फार्मूलाज राइट डाउन करना है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो है ना वो फार्मूला है पाई आर स्केयर, ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ का फार्मूला है 2πRh, ठीक स्टूडेंट्स। ये है पाई आर स्केयर इसका कर्व्ड का फ्लैट का और कर्व्ड का 2πRh, ठीक है, कि ये आपने जो है ना टोटल सरफेस एरिया जो है ना वो सिलेंडर का जो है ना वो फार्मूला राइट डाउन कर लिया। उसके बाद जो है ना वो आ रहा है आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, उनका जो फार्मूला है ना वो है पाई आर एच, और एच इधर क्या है या आप इसको एल राइट डाउन कर लें, ठीक है, ये एच जो है ना ये है इसकी स्लांट हाइट है, जी स्टूडेंट्स। ये कोन का जो फार्मूला है ना ये हो गया 2πL, ठीक है, ये जो है ना स्लांट हाइट है, ठीक है, एल किसके इक्वल है स्लांट हाइट के इक्वल है, ठीक स्टूडेंट्स। ये जो है ना इस फार्मूले में जो है ना वो अब हम सारी वैल्यूज राइट डाउन करेंगे और जो है ना इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। पाई आर आपके पास रेडियस अभी आपने फाइंड आउट किया 6 का स्क्वायर ये 36 आ गया, और ये 12 2πR6 है आपके पास, और हाइट ये आपको दी हुई है 42, ठीक, ये आपके पास आ गया पाई आर सिक्स है और ये हाइट आ गई आपके पास 50, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट 6 × 2 × 42, वी गेट 504π।
and 6 multiply by 15 we get 90 by. ठीक फ्रेंड्स, इस सबको आप प्लस कर लें, 90 प्लस 504 प्लस 36 एंड वी गेट 635. आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 3.14 से एंड वी गेट 1978. ठीक, अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो ये आपके पास आ जाता है 1980. ठीक स्टूडेंट्स, और ये आ गया मीटर स्क्वेयर्स के अंदर. ठीक, क्योंकि ये एरिया है. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्वड. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, अ सिलेंडर हैज अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर. अ होल इन अ शेप ऑफ अ कोन इज बोर्ड इनटू वन ऑफ इट्स एंड इफ द कोन हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये एक सिलेंडर आपको प्रोवाइडेड है. ठीक है, इसके अंदर जो है ना कोन जितना जो है ना वो एक होल बना दिया गया है. ठीक है, कि ये जो है ना इसके अंदर एक कोन जो है ना वो प्लेस कर दी गई है. तो आपने जो रिमेनिंग है ना उसका जो है ना वो फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. ठीक है, पहले आप इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे सिलेंडर का और उसमें से जो है ना माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का और आपके पास आंसर आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है. बस आपने जो है ना इसमें जो है ना फार्मूलाज को जो है ना वो अच्छी तरह लर्न करना है, सारे फार्मूलाज जो है ना सरफेस एरियाज के और वॉल्यूम के. स्टूडेंट्स, 3 शेप्स जो है ना आपने इस चैप्टर में किए, पायरामिड, कोन और सिलेंडर. ठीक है, उन्हीं के जो है ना आपने सारे जो है ना वो फार्मूलाज जो है ना उनको लर्न कर लेना और फिर जैसे भी कोई शेप रिक्वायर्ड आएगी उसमें जो है ना वो आपने इसको प्लेस करना है. ठीक है, आपने फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर. अच्छा, ये वॉल्यूम रिमेनिंग सिलेंडर किसकी इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर जो है ना वॉल्यूम सिलेंडर का हमने माइनस कर देना वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है, ये इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो है ना वो हमने कोन का वॉल्यूम जो है ना वो माइनस कर देना है. सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है और ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है. इनकी वैल्यूज आपने राइट डाउन करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है. ठीक है, ये आर है आपके पास, ये इन्होंने दिया हुआ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 6 है आपके पास. ठीक है, पाई आर 6 स्क्वायर और ये एच हाइट है आपके पास 15. ठीक स्टूडेंट्स, इधर आ गया आपके पास जो है ना ये 1/3 पाई आर है आपके पास, इसका जो है ना वो 3 है. ठीक, ये इधर लिखा भी हुआ है इफ़ अ कोन है द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो जो है ना इसका आ गया 3 सेंटीमीटर और हाइट जो है ना इसकी 15 आ गई. ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना वो आप सॉल्व कर लें. 15 को जो है ना वो आपने 36 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और ये 1/3 9, ये 3 3s आर 9 और ये 15. ठीक है, ये 9 को जो है ना 3 को जो है ना 15 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 36 मल्टीप्लाई बाय 15 वी गेट 540 पाई और ये माइनस 45, 15 3s आर 45 पाई. ठीक है, इसमें से जो है ना माइनस 45 एंड वी गेट 495 पाई. ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना वो आंसर आ गया. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉलिड कंटेनर ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर है विच शेयर अ कॉमन बेस. द सिलेंडर हैज अ बेस रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम. सॉलिड कंटेनर है स्टूडेंट्स और इसका उन्होंने हेमिस्फीयर दिया हुआ और साथ जो है ना वो सिलेंडर है. ठीक, और सिलेंडर का बेस रेडियस प्रोवाइडेड है 7 और हाइट उसकी गिवन है हमें 10. ठीक है, हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. इस सारे सॉलिड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस ये हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर आपको पता है कि हाफ सर्कल होता है.
ठीक स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो है ना वो वॉल्यूम को जो है ना वो हमने प्लस करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस साथ इसके आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, ये हेमिस्फेयर हो गया, ये वॉल्यूम और ये सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना वो आपने प्लस करना है। आपको पता वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है ना वो हाफ होता है उसके स्फीयर के जो है ना वॉल्यूम के, ठीक है, क्योंकि ये आधा होता है। ठीक, ये हमारे पास आ गया 1/2, ये इसका स्फीयर का फॉर्मूला है पाई आर क्यूब। ठीक स्टूडेंट्स, ये स्फीयर का जो है ना ये वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 πr³। ठीक है, लेकिन हेमिस्फीयर उसका हाफ होता है, आधा होता है, तो ये जो है ना इसको हमने 1/2 पे जो है ना वो डिवाइड कर दिया। ठीक स्टूडेंट्स, इसका आगे आ गया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हाइट क्या आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये आ गया 2/3 πr आ रहा है हमारे पास 7 का स्केयर, ये क्यूब है सॉरी। ठीक है, 7 का क्यूब प्लस पाई आर इधर 7 का स्केयर और हाइट आपको गिवन है 10। ठीक है, ये हो गया, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 7³ मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 3, वी गेट 228 या 229, आप राइट डाउन कर लें। ठीक है, 228.66 प्लस ये 7 × 7 = 49, 49 को 10 से मल्टीप्लाई किया 495। ठीक है, इसके अंदर जो है ना आंसर के अंदर जो है ना वह 490 को प्लस कर दें तो ये हमारे पास आ गया 718 जो है ना, और ये साथ आ गया 0.66 जो है ना, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें पाई के साथ ही, पाई इसके साथ ही है। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड वी गेट 2256। ठीक, ये आपके पास वैल्यू आ गई 2456, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो वो 2260 पॉइंट आ जाता है। ठीक है, और ये वॉल्यूम है, इसके साथ जो है ना वो यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो ये आपके पास यूनिट आ गई सेंटीमीटर क्यूब में। थ्री स्टूडेंट्स, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है ना वो आपने राइट डाउन किया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज का वन पार्ट जो है ना वो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। पहले आपने वॉल्यूम का फार्मूला राइट डाउन किया, अब आपने जो है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का जो है ना वो फार्मूला राइट करना है। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ये किसके इक्वल है, सबसे पहले ये इसकी जो है ना फ्लैट सरफेस के, ठीक है, ये इक्वल है फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर, प्लस ये कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस हेमिस्फेयर का जो है ना कर्व्ड सरफेस। ठीक स्टूडेंट्स, इसका जो है ना वो फ्लैट सरफेस नहीं है क्योंकि ये इधर से नहीं ना यूं हमें शेप नज़र आ रही है ना, तो ये यूं पड़ी हुई, तो ये जो है इसका फ्लैट आ गया, इसके साथ जो है ना ये साथ आएगा कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक स्टूडेंट्स, इसकी जो है ना वो आप सारी वैल्यूज डाल दें। पहले जो है ना फ्लैट सरफेस ऑफ सिलेंडर का जो है ना वो फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे होगी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2 पाई
आर एच, ठीक है, वे टू पाई आर एच, ठीक है। हेमिस्फीयर आपको पता है कि उसका हाफ होता है, स्फीयर का हाफ होता है, तो ये हमने इसको हाफ किसका, और स्फीयर का जो है ना वो सरफेस एरिया जो है ना इसमें ऐड होता है, फोर पाई आर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इधर आप वैल्यूज राइट डाउन कर दें, ठीक है। पाई 749, ये 47 2 14, 14 को अगर हम इससे एच से 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 140। ठीक, वेरी इजी कैलकुलेशंस। और इसने इसको कैंसिल किया, 2 हो गया, 7 7 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 98 पाई। ठीक स्टूडेंट्स, ये इनको आप ऐड अप कर दें, 49 + 140 + 98। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 287 पाई। ठीक, 287 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3.14 के साथ, तो ये आपके पास आ गया 901। ठीक है, आप इसको जो है ना 901.1, ठीक है, और साथ इसके जो है ना वो यूनिट आ गई सेंटीमीटर स्क्वेयर के। ठीक है, ये जो है ना इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन विच शेयर अ कॉमन बेस। दिस द कोन हैज अ बेस रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 28 सेंटीमीटर एंड अ स्लांट हाइट ऑफ 35 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। ठीक स्टूडेंट्स, ये अब ये सॉलिड किस पे कंसिस्ट कर रहा है, एक हेमिस्फीयर पे और कोन के ऊपर। ठीक है, अब इन दो जो शेप्स का जो है ना वो कॉम्पोजिट है। फर्स्ट आपने फाइंड करना है वॉल्यूम, फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले आप इसका जो है ना वो वॉल्यूम, दोनों शेप्स का जो है ना वो वॉल्यूम को हम ऐड अप कर देंगे। ठीक, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ इसका सॉलिड का ये जो शेप है ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, हेमिस्फीयर का आपको पता है फॉर्मूला जो है ये स्फीयर का हाफ होता है, तो इसका फॉर्मूला जो है ना 1/2 4/3 πr². ठीक है, ये हो गया पाई आर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द कोन है हमारे पास 1/3 πr² h। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना ये फॉर्मूला हो गया। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, ये हो गया 2/3, ये इधर जो है ना क्यूब है। ठीक है, ये आर है हमारे पास, इधर जो है ना 21 है, ये 21 का क्यूब लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो है ना 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 21 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया 6174, ये प्लस ये जो है ना इधर 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, हाइट है आपके पास 28 मल्टीप्लाई बाय 28 एंड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये पाई की वैल्यू साथ लिखी जाएगी। ठीक, ये आपके पास आ गया 4116 पाई, इसको आप ऐड कर लें प्लस 6174। ठीक है, ये ऐड हो गया है आपके पास 10290 पाई। ठीक है, इसको आप जो है ना अब इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 आंसर आ जाता है 32300। ठीक है, ये आप आगे लिखते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। सेकंड पार्ट में जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। अब जो है ना वो हमने सरफेस एरिया का जो है ना वो आप देखना है इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है हमारे पास जो है ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये कर्व सरफेस इसका ये एरिया आ रहा है कोन का, और जो है ना ये आ रहा है हेमिस्फीयर का जो है ना वो कर्व सरफेस आ रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया के अंदर, क्योंकि हमें सामने से तो ये शेप दिखाई दे रही है, ठीक है, इसमें कोन का फ्लैट सरफेस नहीं आ रहा क्योंकि ये इस तरह करके शेप है। ठीक स्टूडेंट्स, तो फिर जो है ना वो हम इसको राइट डाउन करेंगे ऐसे
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके इक्वल है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इधर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है हमारे पास, ये जो है ना उसका हम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। वो हमारे पास फार्मूला है 1/2 हेमिस्फेयर है, इस वजह से जो है ना वो हम स्फीयर वाला फार्मूला लगाएंगे और जो है ना इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो है हमारे पास 4πr². ठीक है, ये हो गया। और ये इसका जो फार्मूला है ना, ये है हमारे पास πr(l). ठीक है, एल क्या है हमारे पास, स्लांट हाइट है। ठीक स्टूडेंट्स, कोन की इसके अंदर हम वैल्यूज राइट डाउन करेंगे। ठीक है, 2 हो गया, 8 है हमारे पास, 21। 21 के स्केयर को जो है ना वो आपने जो है ना इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 21 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2, वी गेट 882। हमारे पास आया 882 प्लस ये पाई आर, आर है हमारे पास 21 और ये है 35। 21 मल्टीप्लाई बाय 35, वी गेट 735 पाई। ठीक है, 735 में जो है ना वो 882 को आप प्लस कर दें, प्लस 735 प्लस 882 वी गेट 1617 पाई आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दें, 3.14, ये आपके पास आ गया 5077। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5077। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 5080। ठीक, और ये इधर आ रहा है आपके पास, यूनिट आ रही है सेंटीमीटर स्केयर्स। ठीक है, ये यूनिट इसके साथ भी लगेगी, सेंटीमीटर मीटर क्यूब, इसमें क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है, क्यूब आएगा और ये एरिया है तो इधर स्केयर आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है ना ये सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर इज मेड अप ऑफ अ हॉलो कैन विद एन इंटरनल बेस रेडियस ऑफ आर सेंटीमीटर एंड अ हॉलो सिलेंडर विद द सेम बेस रेडियस एंड इंटरनल हाइट ऑफ 4r². ठीक, गिवन दैट द हाइट ऑफ द कोन इज 3/5 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड 7 liters of water is needed to fill the conical part of the container completely. Find the amount of the water to needed to fill the container completely. Give your answer in liters. ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना ये सिचुएशन ये है कि ये हमें r दिया गया हुआ है, ये 4r दिया गया हुआ है और ये बोला हुआ है जो कोन है ना वो 7 liters से जो है ना वो फिल हो रही है और हमने बताना है कि ये पूरी जो है ना वो कितने की जो कितना पानी लगेगा, अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा इसको जो है ना फिल होने के लिए। ठीक है, तो वो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट होगा तो हम इसको बता सकते हैं ना। ये इन्होंने बता दिया कि इसको जो है ना 7 जो है ना वो लीटर से जो है ना वाटर ऑफ कि वही इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक, लेकिन इसका हम वॉल्यूम फिर फाइंड आउट करेंगे और उसमें जो है ना उसको जो है ना वो ऐड अप करेंगे। लेकिन ये इधर ये सिचुएशन है, इन्होंने ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई, हमें आर जो है ना वो दिया गया हुआ है। ठीक है, और जो कोन की हाइट दी गई है वो कहा है 3/5। ठीक है, वो किसके है, सिलेंडर के 4r के जो है ना वो 3/5 है। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है ना वो ये देखेंगे, हमें 7 liters दिया गया हुआ है, इट्स मींस के 7 liters जो है ना वो 7000 cm³ के इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, ये 7000 जो है ना सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है और हाइट ऑफ द कोन क्या है। ठीक है, ये इन्होंने बताई है 3/5 ऑफ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, और हाइट ऑफ सिलेंडर है 4r। ठीक है, तो इधर हम करेंगे द हाइट ऑफ कोन 3/5 ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 12/5 cm r भी साथ। ठीक, ये r जो है ना ये इसने इसमें आएगा। उसके बाद आ गया, हमें पता है कि जो वॉल्यूम है इसको 700 cm³ फिल कर रहा है। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ कोन हुआ 7000। ठीक फ्रेंड्स, इधर वॉल्यूम ऑफ कोन का हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर की फर्स्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने लगाया तो ये हमारे पास आ गया 1/3 πr
वन बाई थ्री पाई आर स्केयर ओवर सात एच, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है, वन बाई थ्री पाई आर स्केयर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है, ये किसके इक्वल है, 7000 के, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये थ्री जो है ना इधर जाके जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा और हाइट भी जो कोन की है ना ये आपने अभी ऊपर जो है ना ये फाइंड आउट की जो है ना एच की जो है ना आप इधर जो है ना ये वैल्यू राइट डाउन करेंगे, ठीक है, वन बाई थ्री पाई आर, ये इधर आया स्केयर, एच है आपके पास 12 आर ओवर 5, ठीक, ये इधर आ गया 7000, ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर हमने एच की वैल्यू राइट डाउन कर दी। अब जो है ना आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये जो 15 है ये इधर हो गया आर क्यू, ये जो है 12 और पाई जो है ना ये इससे डिवाइड होंगे और 15 जो है ना इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 5 15, इसकी पोजीशन चेंज हुई है, इस तरफ गया, ये 15 मल्टीप्लाई में हो गया और ये 12 जो है ना पाई इधर आ गया और आर आर स्केयर से मल्टीप्लाई होके आर क्यूब हो गया, ठीक है, इसे ज़रा सॉल्व कर लें, ठीक, 7000 मल्टीप्लाई बाई 15 एंड डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, वी गेट 8750, ठीक है, आर क्यूब 8750 पाई, ठीक है, ये आप क्यूब की वैल्यू में ही अभी रहने दें क्योंकि आगे जब हमने पुट करनी है ना तो हमें वो क्यूब की वैल्यू जो है ना वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है जी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है पाई आर क्यूब एच, ठीक है, पाई आर स्केयर एच, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है पाई आर स्केयर एच के, ठीक स्टूडेंट्स। अब जो है ना आपने इधर जो है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जो है ना इधर ये वैल्यूज राइट डाउन करनी है, सिलेंडर की जो है ना वो हाइट हमें गिवन है ये 4R हमारे पास, ठीक है, ये आपने इधर राइट डाउन की पाई आर स्केयर और ये इधर आ गया 4R, ये आपके पास आ गया 4πR³, ठीक स्टूडेंट्स, ये आपने जो है ना वैल्यूज राइट डाउन करके जो है ना आर क्यूब की जो है ना वो आप इधर वैल्यू ये रखते ही आपने इधर अभी फाइंड की थी, ठीक है, 4πR³ है आपके पास 8750 ओवर पाई, ठीक है, पाई ने पाई को कैंसिल किया, ये 8750 को जो है ना वो आप मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड वी गेट 3500, ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई 3500 और यही जो है ना ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर्स क्यूब में, ठीक है, ये वॉल्यूम आपके पास किसका आया है जो है ना वो सिलेंडर का वॉल्यूम आया है, ठीक है, और ये कोन का भी वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है, कोन का जो है ना वो आपके पास ये है 7000, ठीक है, इट्स मीन्स कि अब ये हम इन दोनों को जो है ना वो प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है ना वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द नीडेड वाटर नीडेड टू फिल द कंटेनर कम्प्लीटली, किस तरह जो है ना कंटेनर कम्प्लीट जो है ना वो फिल होगा, ठीक है, इन दोनों का अब हमने ऐड अप करना है, अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड, ठीक, ये हमारे पास इस तरह आएगा अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड, इसमें आ गया हमारे पास एक 7000 था, ठीक है, दूसरा ये 35000, ठीक, इसको हम प्लस करें 35 को 7 में तो ये आ जाता है 42000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, नाउ इट्स सॉल्व्ड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।